राज्यसभा का सदस्य बनने का 3 बार पार्टी ने मौका दिया, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले जी ने और हमारे मुंबई के अध्यक्ष माननीय श्री आशीष शेलार जी ने जो आदेश दिया, उस आदेश का पालन करते हुए अब मैं मुंबई के लोकसभा चुनाव में आप सबके बीच आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप सबका स्नेह लगातार मेरे साथ रहा है और आगे भी रहेगा, जिससे मैं मुंबई की सेवा कर सकूं, मुंबई उत्तर के लोगों की सेवा कर सकूं। और जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में देश, महाराष्ट्र और मुंबई ने तेज प्रगति की है, उसी तेज गति से और ज्यादा लोगों की आशाएं अपेक्षाएं को पूरा करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। हम सब लगातार अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं।